हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी न्यूज प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसेट की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है वन बाय वन करके, है ना। तो उसमें हमने नंबर ऑफ टॉपिक कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, और अब हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ रहा है वन बाय वन करके। मतलब नंबर सिस्टम से हमने शुरू किया था, अगर आप देख रहे होंगे, रेगुलर अगर फॉलो कर रहे होंगे, तो लगभग अभी 10 से 12 लेक्चर आराम से हो चुके हैं। तो उसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पे मैंने 3 लेक्चर लिया था, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने PYQ वगैरह प्रैक्टिस वगैरह कराया था, कुछ समरी में इसको बताया था, है ना। तो ऐसे आगे बढ़ते गए, फिर घातांक करणी वगैरह किया, सरलीकरण किया, है ना, फिर LCM HCF ऐसे ऐसे करके एवरेज, परसेंटेज, है ना, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, और ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक हमने कवर कर लिया, क्लियर है। तो उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला, है ना। उससे पहले हमने किया था क्या, कार्य और समय। उसके बाद हमने समय, दूरी और ये चाल वगैरह का किया था, है ना। तो उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिया था करने के लिए। अच्छा, अब हम आज आए हैं किस टॉपिक पे, आज आए हैं हम अलजेब्रा पे, ठीक है, यानी बीजगणित। तो ये दोस्तों जो PCS के छात्र हैं वो ध्यान देंगे, उनके लिए ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप में से जो UPSC वाले हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आने की संभावना UPSC में एक क्वेश्चन मान लीजिए कि हो सकता है आ जाए, नहीं तो नहीं भी आ सकता, ठीक है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो PCS का एग्जाम देंगे वो डेफिनेटली इस लेक्चर को दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक। और अगर आयोग का जो है क्या बोलते हैं पेपर सेट करने वाले का ऐसा बन गया, तो ये भी देखा गया है कि इससे लगभग मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आए हैं एक साल में 2016 में, और मैंने वो चारों क्वेश्चन उठा लिए हैं, ठीक है, और सारे अलजेब्रा हैं दोस्तों। और खास बात क्या है इस लेक्चर में, मैं आपको बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं बस आपको वो बताऊँगा जो चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, है ना। दुनिया भर का कूड़ा कचरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब जैसे मैं आपको एक बार लेक्चर दिखा दूँ, तो मैं एक बेसिक से बता दूंगा कि होता क्या है, है ना, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये रूट, नेचर की प्रकृति, ये दोस्तों बस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। इसके क्वेश्चन वगैरह बहुत कम आते हैं, नहीं आते, ना के बराबर आते हैं, ठीक है। अगर आप PYQ देखेंगे तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो आधार होना चाहिए दोस्तों PYQ ही होना चाहिए, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे आप खुद से पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, अगर आप PYQ के हिसाब से नहीं चलोगे तो इसका मतलब समझ लीजिए आप ट्रैक से भटके हुए हैं, क्लियर है, है ना। अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आपको कूड़ा कचरा नहीं पढ़ना है। मैं बार बार देखिए अपने हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि कूड़ा कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़िए कि उतने से काम बन जाए, सीधी सी बात है, है ना। तो बस हम एक बेसिक सा देख लेंगे कि नेचर ऑफ रूट वगैरह क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ जो खाली जगह छोड़ी है यहाँ कुछ बातें बताऊँगा, है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर मैंने नंबर सिस्टम से शुरू किया है और कुछ चीज़ें लेके चल रहा हूँ, है ना, तो उसके बाद घातांक करणी बताया था, है ना, उसके बाद सरलीकरण उसी में बताया था, कुछ फॉर्मूले बताए थे, फिर और भी चीज़ें बताए, तो मैं क्यों इस तरीके से चलता हूँ। अभी आपको जो मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊँगा तो आपको उस बात का समझ में आएगा कि मैंने क्यों ये सब टॉपिक पहले कवर कर लिए थे। तो जो लोग इसमें से आप में से ये लोग घातांक करणी वगैरह नहीं देखे होंगे, उनको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर दूं, लेकिन आप अगर बेटर वो चाहते हैं तो घातांक करणी का एक लास्ट का जो मैं जब इसको डिस्कस करूंगा बताऊंगा कि उसको आप देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्या है। अब इसके बाद देखिए, मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम, तो कुल मिला के इतने सारे प्रॉब्लम है ना कि सच बताऊं आपको तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा छोड़ूं कौन सा लूं, तो इसलिए मैंने सारे प्रॉब्लम ले लिए हैं, ठीक है। तो जब इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे तो इसमें आप बस एक बार धैर्य से बैठ जाइए, है ना, स्पीड आप 2x कर लीजिए अगर मान लीजिए आपको स्पीड स्लो लग रही हो, और लगा के बस सुनते जाइए, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे ना PYQ, तो आपके सारे PYQ ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे अगर आप देखेंगे तो, और जो बचे खुचे PYQ को होंगे वो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से जब आप देखेंगे तो आपके तैयार हो जाएंगे, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमने होमवर्क दिया था कल लास्ट लेक्चर में। अब इसमें क्या है, देखिए 3 क्वेश्चन मैंने दिया था, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग 2 मिनट में गुजर जाती है। अच्छा, तो बोला क्या, ट्रेन की लंबाई पूछा हमसे क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई, तो सीधी बात है हमसे क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई पूछा है। अरे तो ट्रेन की लंबाई पूछा तो निकाल देते हैं ट्रेन की लंबाई। मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, समय कितना लगा, समय लगा 2 मिनट, ठीक है। तो ये लिखा इसको कलर, हाँ ये 2 मिनट लगा,
तो दो क्या है मिनट, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद दूरी कितनी है, क्या बोल रहे हैं 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ठीक है 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ठीक है तो 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है तो 1.5 लिख दिया। अब ट्रेन भी कुछ लंबी होगी तो ये किलोमीटर में है, तो हम कहते हैं ट्रेन भी मान लीजिए ट्रेन की लंबाई एल मान लीजिए, मान लीजिए ये ट्रेन थी, मैं आपको बता देता हूँ एक बार विजुअलाइज़ करा देता हूँ, है ना, जैसे पहले कराता था भाई ये ट्रेन चल रही है ऐसे, ये एल लंबी ट्रेन है, एल किलोमीटर समझिएगा क्योंकि किलोमीटर में मैं किलोमीटर में ही सब रखूँगा, ठीक है किलोमीटर और घंटा इन्हीं में मैं रखूँगा सब, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें मैच कर लेंगे, है ना। तो भाई ये ट्रेन थी, ये चल रही थी, एल किलोमीटर लंबी है, अब समझ रहे हैं ना, एल किलोमीटर लंबी मतलब अगर 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन हुई तो उस ट्रेन की लंबाई 1000 मीटर हुई, मैं कहता हूँ अगर एल की वैल्यू 0.8 आ गई, 0.8 किलोमीटर लंबी, तो कितने मीटर हो जाएगी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 0.8 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 800 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी, है ना। अगर एल की वैल्यू मान लीजिए 0.5 आ गई तो इसका मतलब 500 मीटर लंबी ट्रेन है, क्लियर। तो उसी तरीके से हम आंसर में पहुंच जाएंगे कहने का मतलब। तो मैंने क्या किया एक ट्रेन लिया भाई, है ना, एक ट्रेन लिया, ये ट्रेन चल रही है, ठीक। अब इसकी लंबाई क्या है, एल है, हमने क्या एल किलोमीटर माना है, ठीक एल है। अब ये क्या हुआ, किसी सुरंग से पार कर रही है, तो अब सुरंग मान लीजिए ये कोई टनल है, ये टनल है, ठीक ये टनल शुरू हो गई। अब टनल की लंबाई दे दिया है, टनल की लंबाई दे दिया है सुरंग का कितना, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो जब 1.5 किलोमीटर टनल की लंबाई दे दिया और बोल दिया कि इसको पार करने में कितना समय लगता है, 2 मिनट लगता है, मतलब ये कि ये जो ट्रेन है अगर ये यहाँ से चलना शुरू की, है ना, तो ये 2 मिनट में पूरा पार कर जाएगी। तो 2 मिनट है, तो अब 2 मिनट को घंटे में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/60 हो जाएगा, यानी 1/30 क्या घंटे, है ना, 1/30 घंटे मतलब समझ गया। अब आगे देखिए, अब इसी को पुट कर देना है। तो मैं जो यहाँ बता रहा था, समय क्या हो गया, समय हो गया हमारा 1/30, ठीक, ये क्या है घंटा है, और दूरी क्या है भाई, एल ट्रेन की लंबाई थी और टनल की लंबाई कितनी थी, 1.5 किलोमीटर, तो एल प्लस 1.5 कर दिया। और चाल कितना दिया है, देखिए चाल भी दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा, है ना। तो अब ये सब उड़ पुड़ गया क्योंकि ये भी हमने किलोमीटर में ही रखा है सब, है ना, तो हमारा आंसर भी किलोमीटर में आएगा, अब इसी को सॉल्व करना है कहने का मतलब। तो अब देखिए काटा पीटी मचाते हैं, काटा पीटी जब मचाएंगे तो ये पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, एल प्लस 1.5, है ना, इक्वल टू 60/30 हो गया, क्लियर भाई, ये 60 था इधर गया तो ऊपर चला गया, तो ये 60/30 हो गया, है ना, और ये एल प्लस 1.5 था, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, तो L प्लस 1.5 क्या हो गया, L प्लस 1.5 हो गया 2, तो L की वैल्यू क्या हो गई, 2 - 1.5 यानी 0.5 क्या किलोमीटर, 0.5 क्या हो गया किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मतलब 500 मीटर आ जाएगा। तो देखिए ये UPSC क्वेश्चन था दोस्तों 2010 का, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस हमें करना क्या था, देखिए मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में इसको डिस्कस कर रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं जो चीज़ें बताता हूँ बस उसको आप ध्यान सुनते चलिए। मैंने आपको दो केस बताया था ना, एक केस क्या बताया था कि अगर आप खड़े हैं या फिर कोई खंभा खड़ा है ना, मान लीजिए खंभा है या आप हैं, और तब ट्रेन पार करे तो कितना समय लगेगा भाई, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। और अगर कोई प्लेटफॉर्म पार करे या फिर टनल पार करे या फिर पुल पार करे, कुछ ऐसी चीज़ें पार करे, तब कितना समय लगेगा भाई, जितना ट्रेन लंबी है वो, और जितना पुल लंबा है या फिर है ना सुरंग लंबी है या फिर है ना स्टेशन लंबा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, ठीक है। तो हमारे केस में क्या था, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ के ट्रेन की चाल से डिवाइड कर देंगे, तो जितना समय लगेगा वो आ जाएगा, तो उसी बेसिस पे हमने कर लिया, है ना। तो अब यही फायदा होता है दोस्तों कि अगर आप लेक्चर को सही से फॉलो करते रहेंगे तो मुझे बताने में भी इजी होता है, और जब आप PYQ करते हैं ना, तो जब PYQ बनने लगता है तो अपने आप लगता है कि आप सही ट्रैक पे हो। अब आप इधर उधर भटकोगे तो फिर आप भटकते रह जाओगे, है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ, ठीक। अब देखिए अगली बात क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। दो ट्रेनें नई दिल्ली से एक ही समय पर प्रस्थान करती हैं, अच्छा, एक ट्रेन उत्तर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है और दूसरी ट्रेन जो है दक्षिण को, अच्छा एक उत्तर की तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ, और वो कितने से चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो कितने घंटे के पश्चात ये दोनों ट्रेनें परस्पर 150 किलोमीटर दूर होंगी। ये तो बहुत सिंपल हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, है ना भाई। हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी दिल्ली,
ये है हमारी दिल्ली। अब एक ट्रेन चल रही है नॉर्थ की तरफ और एक ट्रेन चल रही है साउथ की तरफ। नॉर्थ वाली चल रही 60 km/h से और साउथ वाली चल रही 40 km/h से, है ना। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई, एक घंटे में ये लोग कितना दूर होंगे, एक घंटे में समझिएगा, ये 60 किलोमीटर चली जाएगी, ये 40 किलोमीटर, तो इसका मतलब एक घंटे में ये लोग कितना दूर चले गए, 100 किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब इनकी चाल क्या है, जुड़ जा रही है। तो भाई जब चाल जुड़ जा रही है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब देखिए इनकी जो सापेक्ष गति होगी, है ना, रिलेटिव स्पीड, या भी सापेक्ष गति लिख देता हूँ, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होगी भाई, एक 60 चल रही है इधर तरफ और एक 40 से चल रही है उधर, तो दोनों मिलकर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे ना। तो भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं कहता हूँ चल रहे हैं, मतलब अगर दोनों साथ साथ चलें तो एक, समझ रहे ना, दोनों अगर साथ साथ चलें तो एक किलोमीटर, मतलब वो एक घंटे में ये लोग एक किलो, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, समझाने के लिए मैंने जो सापेक्ष गति निकाली है, अगर ये एक घंटे की बात करता मैं, वन आवर, तो एक घंटे में कितना चलता, ये 60 किलोमीटर चल लेता, है ना, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और ये कितना चलता, ये 40 चल लेता। तो टोटल कितना चलते ये लोग, टोटल कितना दूरी पहुंच गए, 100 किलोमीटर पहुंच गए दूरी। तो वही है इनकी सापेक्ष गति। देखिए मैंने क्या किया, 60 को भी जोड़ दिया, 40 को भी जोड़ दिया, क्योंकि एक इस तरफ चल रहा है, एक इस तरफ चल रहा है, तो उनकी सापेक्ष गति क्या हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर घंटे में ये लोग 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे। जब हर घंटे में 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे तो हमसे पूछा क्या है, 150 किलोमीटर पहुंचना है। तो भाई सीधी सी बात है, जब 100 किलोमीटर पहुंचने में 1.5 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो 150 किलोमीटर पहुंचने में क्या लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, तो 1.5 घंटा लगेगा, तो ये ऑप्शन आ गया, है ना। अगर 150 ना होता तो हम करते मैथ में कैसे करते, ये तो आपने एक नियम से कर लिया, अब मैथ में कैसे करते, मैथ में हम कैसे करते हैं, बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैथ में हम कैसे करते हैं भाई, हमने क्या किया, रिलेटिव स्पीड निकाला, रिलेटिव स्पीड निकाला तो क्या किया, 60 + 40 जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया, 100 km/h आ गया, है ना, किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है भाई, 150 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा, तो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है, 150 किलोमीटर, चाल कितना निकला हमारा, 150 आया, है ना, 100 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1.5 घंटे का समय लगा, 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 आवर। तो यही 1.5 आवर क्या है, 3/2 है हमारा, है ना, 1.5 घंटा, क्लियर है, तो सही था ना। ये है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इजी क्वेश्चन था, मैं इसको इजी क्वेश्चन कहूँगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक व्यक्ति अपनी कुल आय यात्रा का 1/4 हिस्सा स्कूटर से, 3/8 हिस्सा कार से, और बाकी के बचे 48 किलोमीटर, अच्छा हिस्सा ना बोल के 48 किलोमीटर बोल दिया, बस से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, क्या बोल रहा है, देखिए मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, सीधे आंसर आएगा। मान लीजिए एक आदमी यहाँ था, है ना, यहाँ से चलना शुरू किया और इसको पहुँचना यहाँ था, ठीक, इसको पहुँचना यहाँ था, और ये कुल दूरी मान लीजिए x है, ठीक, इसको पूरा x दूरी तय करना था, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा कि भाई तीन तरीके से जाता है, पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये दिया है क्या 1/4 हिस्सा ना, तो 1/4 इसको कैसे चलता है, ये स्कूटर से चलता है, ठीक, अच्छा स्कूटर से चल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा, 3/8 हिस्सा जो है कार से चलता है, अच्छा तो 3/8 हिस्सा कार से चलवा देते हैं, ये जो है इसका 3/8 हिस्सा हो गया x का, तो ये किससे चलता है, ये चलता है कार से, ये कार से चल रहा है। अब बचा हुआ जो हिस्सा है, अब जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये कितने से चलता है, ये किससे चलता है, बस से चलता है, ये बस से चल रहा है, ठीक है। अब जब ये बस से चल रहा है तो बताइए कि ये कौन सा हिस्सा बचा, पहली चीज़ तो ये बता दीजिए, ये कितना कौन सा हिस्सा बचा, और इसकी वैल्यू दिया कितने के बराबर, 48 किलोमीटर के बराबर। देखिए दिखा ना, बचे हुए 48 किलोमीटर, यानी 48 किलोमीटर बच गया, ये 48 किलोमीटर बच गया, तो इसी को चलता है बस से। अब यही 48 किलोमीटर को हम दिखा दें कि कौन सा हिस्सा तुम्हारा काम बन जाएगा, क्लियर, समझ में आया। अब देखिए बता रहा हूँ मैं कैसे, देखिए हमारा टोटल था कितना, एक्स था, है ना, तो एक्स में क्या हुआ, एक्स बाई फोर तो हमने चल लिया भाई स्कूटर से, है ना, और जो 3x/4 था, 3x/8, है ना, 3x/8
3x/8 वो तो चल लिया हमने कार से, ठीक, स्कूटर और कार का हो गया। तो अब एक चीज़ समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर x में से जो पूरा हमारा x था, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, है ना, और इसको भी माइनस कर दें, ठीक, इसको भी माइनस कर दें, यानी अगर मैं नंबर लाइन पे बताऊँ तो ये पूरा x था हमारा, ठीक, ये x था, अगर इसमें से इसको घटा दिया और इसको घटा दिया तो हमारा ले दे बचा कि क्या, यही बचा हमारा, यही बचा, ठीक है, यही बचा। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, है ना, इसकी वैल्यू निकाल लें, अगर इसकी वैल्यू निकाल लें और इसको हम 48 के बराबर दिखा दें तो यही हमारा काम बन जाएगा, सीधी सी बात है, है ना, समझ में आ गया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 8 आएगा, 8 एलसीएम आ गया, तो 8x-2x और -3x, ठीक, तो ये क्या हो गया, 3x/8 आया, मतलब ये जो हमारी वैल्यू आई है या ये 3x/8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, 3x/8 को जो है इक्वल दिखा देंगे, किसके इक्वल, 48 के इक्वल, यहीं पे दिखा देते हैं, सीधी सी बात है, 3x/8=48 किलोमीटर, ठीक है। तो काटा पीटी मचा देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 × 8/3, तो 3 × 1=3, 3 × 6=18, और 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दीजिए, 16 × 5=86, 16 × 6=96, 16 × 7=112, 16 × 8=128, बस 128 क्या हो गया आपका आंसर आ गया, यानी टोटल वो कितना किलोमीटर, मतलब दूरी तय किया, पूरा 128 किलोमीटर की दूरी तय किया, ऑप्शन में है क्या, ये देखिए ये है ना 128, यानी अगर आप, आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ तो ये किस तरीके से हो गया काम हमारा, ये ऐसा हो गया कि भाई टोटल x दूरी थी, है ना, टोटल x दूरी थी, उसमें x/4 जो है स्कूटर से चला, 3x/8 जो है उसने कार से चला, तो हमने निकाल लिया कि बचा हुआ दूरी कितना हुआ, बचा हुआ दूरी क्या हुआ, x में से x/4 और 3x/8 निकाल दिया तो 3x/8 आ गया, यानी जो बची हुई दूरी थी वो भी 3x/8 थी, लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जो बची हुई बाकी की दूरी वो 48 किलोमीटर है जो उसने बस से चला था, तो हमने क्या किया, 3x/8 को 48 के बराबर दिखा दिया, तो जब ये करके दिखाया तो हमसे x की वैल्यू आ गई 128, यानी जो पूरा हमने x माना था ये हमारा कितना है 128 किलोमीटर, क्लियर, अच्छा था। अब देखिए आते हैं आज के टॉपिक पे, देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं बीजगणित की, ठीक है। अब बीजगणित की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, हमने अभी आपको कुछ बातें बताई थी, तो बस आप इस लेक्चर के माध्यम से आप चलते जाइएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। देखिए बीजगणित में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक। बीजगणित होता क्या है, बीजगणित दोस्तों बेसिकली ऐसा होता है, ऐसे लिखा रहेगा जिसमें एक्स वाई जेड करके जो लिख देते हैं ना, चर अचर वाला हिसाब किताब, वही है। जैसे मान लीजिए 3x+4y-5 लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक। या अब रैखिक कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, देखिए ये x है, ये x है, मतलब ये y है मान लीजिए कुछ, तो कहने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अगर यही क्वाड्रेटिक होता तो जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूँ x²+2x-3, ये लिख दिया, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पावर में लग गया ना 2, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। इसी तरीके से अगर दूसरी बात करूँ x²+y²-2xy+4, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है, कैसे, देखिए दो दो पावर है, ठीक है। कहने का मतलब ये, अब जैसे मान लीजिए अगला लिखता हूँ एक और कि x²+2x-3, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, हमको बस ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम कौन सी पावर जा रही है, 2 जा रही है, है ना, तो देखिए जो सबसे मैक्सिमम जाएगी वही उसी को लेंगे। अब कोई अगर ये बोल दे कि जैसे x³+3x²-5 ऐसे लिख दिया, तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या, तो देखेंगे भाई नहीं भाई, सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात नाम ही है इसका, तो द्विघात मतलब मैक्सिमम उसकी घात कितनी होगी, 2, तो देखिए सब में 2-2 आ रहा है ना, इसमें भी, तो यही चीज़ें होती है दोस्तों, बस इतना सा जानना है, ठीक, ये आपने समझ लिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति, मतलब क्या है मूल, क्या होते हैं मूल, क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली नेचर ऑफ रूट, सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख के दिखाऊं कि जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ x²-,
सिक्स एक्स प्लस फाइव ये मैंने लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव ये मैंने आपको लिख दिया, या फिर उल्टा लिखता हूँ, रुक जाइए, ये है आपका फाइव एक्स, क्योंकि खुद से बना रहा हूँ ना तो थोड़ा सा, अब इसमें ये मैंने लिख दिया। तो अब अगर ये हो गया तो अब नेचर ऑफ रूट, रूट क्या होते हैं यानी मूल क्या होते हैं, मूल वो होते हैं दोस्तों जो इनको रखने पे सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है, मतलब जब x का कुछ ऐसा वैल्यू रख दें कि उसको रखते ही इसमें इसको जैसे ही रखेंगे x जगह पे तो जीरो आ जाए। तो अगर जीरो आ रहा है तो x के जितने भी ऐसे मान होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके मूल होंगे, उसी को बोलते हैं मूल, मूल यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं रूट, रूट्स, ठीक, क्लियर, उनको बोलते हैं रूट्स। अब जैसे बात करें कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अब जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये छः है, तो छः, अब चलिए मैं कर देता हूँ, तो छः क्या होता है, तीन गुणे दो होता है, तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर पाँच को तीन और दो में डिवाइड कर दूँ, थ्री एक्स और टू एक्स प्लस सिक्स, तो अब यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे एक्स तो एक्स माइनस थ्री आया, और यहाँ से जब माइनस टू कॉमन लिया तो एक्स माइनस थ्री फिर आया, तो एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो एक्स बचा और माइनस टू बचा, ठीक है, आप ये जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, आप ये जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कि जो मैं बता रहा हूँ अगर ये नहीं जान रहे हैं आप तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता दूं कि हम इसमें करते क्या हैं, हम इसमें करते क्या हैं, हम इसमें लास्ट डिजिट देखते हैं, ठीक, और यहाँ पर कोई डिजिट देखते हैं, अब यहाँ पर चूँकि कुछ नहीं है तो यहाँ पर वन हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको और इसको, यानी ये जो वन लिखा है और ये सिक्स लिखा है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, छः आया। अब छः को हम ऐसा तोड़ेंगे दोस्तों, छः को हम ऐसा तोड़ेंगे कि जो दो नंबर आएंगे उनको जोड़ने या घटाने पे पाँच आना चाहिए, ठीक है, तो तीन दूनी छः हुआ, तीन दूनी छः, तो हमको ये दिख रहा है कि तीन और दो को जोड़ने पे पाँच आ रहा है हमारा, क्लियर, ये दिख रहा है तीन और दो को जोड़ने पे पाँच आ रहा है। अगर कुछ ऐसा आता कि जैसे मान लीजिए एक और चीज़ बनता कि छः एकम छः, ये भी बनता है, छः एकम छः भी बनता है ना, तो क्या होता, छः और एक को घटाने पे भी पाँच आता, तो दो चीज़ें बनती हैं, है ना, तो अब छः और एक को घटाने पे जब पाँच आता तो हम करके देखते तो शायद हमारा गुणनखंड ना होता, क्योंकि ये माइनस सिक्स एक्स होता प्लस जो है एक्स होता, तो वहाँ पे भी हमको दिक्कत होता। तो हमने क्या किया, तीन और दो रख के देख लिया, तो एक बार माइनस थ्री एक्स लिख दिया, एक बार माइनस टू एक्स, तो ये टोटल माइनस पाँच एक्स हो गया, देखिए, है ना, तो हमको ये देखना कि छः का ऐसा गुणनखंड जो पाँच आए जोड़ने या घटाने पे। तो हमने भाई देख लिया कि ये तीन और दो के हिसाब से आ रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस थ्री हो गया, यहाँ पे टू कॉमन ले फिर x माइनस थ्री हो गया, तो अब x माइनस थ्री दोनों में था तो x माइनस थ्री बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा, माइनस टू, तो वही देखिए x और माइनस टू हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो ये जो x की वैल्यू आई, अब यहाँ पे जो वैल्यू आई तो एक तो x की वैल्यू क्या आ गई, जब x माइनस तीन है तो x माइनस तीन है तो x बराबर क्या हो गया, तीन, और ये x माइनस दो है, x माइनस दो है तो x बराबर क्या हो गया, दो, क्योंकि माइनस दो उधर जाएगा तो प्लस दो हो जाएगा, उसी तरीके से माइनस तीन इधर गया तो तीन हो गया। यानी अगर इस समीकरण में हम x की बराबर x की वैल्यू तीन रख दें तो जीरो आना चाहिए, रख के देखिए, तीन तरीका नौ और माइनस साइन, तीन पच्चीस पंद्रह और प्लस छः, देखिए जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है ना, जीरो, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, जो हमारा दूसरा रूट आया था दो, अब दो भी रख के देख लीजिए, तब भी जीरो आ रहा है क्या, तो दो दूनी चार और माइनस साइन, पाँच दूनी दस प्लस छः, देखिए जीरो आ रहा है, छः चार जीरो आ रहा है ना, तो इससे भी जीरो आ रहा है, इससे भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम बताए दो और तीन, ये इसके क्या हैं, ये है मूल यानी रूट है। अब मैंने क्या लिखा, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, एक चीज़ समझिए। अब मैं आपको एक ब्रीफ में जनरलाइज्ड बात बताता हूँ, ठीक है, तीन चार चीज़ें बतानी हैं, अब यही बताने के बाद सीधे हम अपना क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और बताने के बाद, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये मान लीजिए कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक कैसे है, समझ में आया, द्विघात समीकरण कैसे है, क्योंकि यहाँ पावर दो है। अब इसमें हमको क्या समझना है, नेचर ऑफ रूट यानी मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति दोस्तों तीन तरीके से होती है, ठीक है, तीन तरीके से होती है, तीन तरीके, वन सेकंड, तीन तरीके से होती है, ठीक है। इसको मैं पहले तीन पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक, ठीक है। एक तरीका तो क्या होता है कि
मूल क्या होंगे पहले तो, वो होंगे या तो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होंगे, वास्तविक और अलग अलग। दूसरा मूल क्या हो सकता है, वास्तविक तो हों लेकिन क्या हों, समान हों, मतलब दोनों का दोनों मूल समान हो। तो ये क्या, बताता हूँ मैं अभी, पहले लिख दूँ फिर बताता हूँ। और उसके बाद क्या हो, मूल वास्तविक ही ना हो, मतलब काल्पनिक हो, काल्पनिक, काल्पनिक मूल, ठीक है। तो बात ही खत्म, इसमें तो हमको कुछ डिस्कस ही नहीं करना। जब काल्पनिक मूल है तो अलग हो चाहे समान हो, कुछ भी हो, है ना। तो अब एक चीज़ हमको क्या करना है, हम इसमें क्या करते हैं, एक निकालते हैं वैल्यू, उसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, ये है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक, ये है बी, ये है ए, ये है सी। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसके स्क्वायर करने में फोर ए सी घटा देंगे, ठीक है, फोर ए सी घटा देंगे, ठीक, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अब समझिएगा कि अगर हमारा जो ये आया है, जूम कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो हमने निकाला है ना, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कुछ वैल्यू आ रहा है धनात्मक, ग्रेटर देन जीरो जिसको बोलते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमारे मूल क्या हैं, रियल हैं, वास्तविक हैं, सीधी सी बात है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग हैं। यानी जो हमने एग्जांपल दिया था, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये एग्जांपल दिया था ना। अब इसमें निकाल के देखते हैं एक बार, तो इसमें बी की वैल्यू क्या है, अब देखिए बी की वैल्यू क्या है, समझिएगा हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन ये है ना। अब इसी से कंपेयर करना है, ठीक है, इसी से कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू बताना है। तो पहले तो ये बताइए कि हमारा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है। बी की वैल्यू क्या है, पाँच है कि माइनस पाँच, माइनस पाँच है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस साइन है और यहाँ हमारा माइनस साइन है ना। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई माइनस पाँच, और सी की वैल्यू क्या हो गई, छः। तो अब बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी जब करेंगे तो माइनस पाँच का स्क्वायर है ना, बी बी की जगह माइनस पाँच है, बी स्क्वायर माइनस है ना, लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर, और ए कितना है वन, सी कितना है छः। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाँच का स्क्वायर क्या होगा, माइनस पाँच प्लस हो गया तो पच्चीस हो गया, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस, चार छम चौबीस, यानी कितनी वैल्यू आ रही है, वन। ये क्या ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल है। तो जब ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, मूल रियल आएंगे। तो मूल जब रियल आएंगे और दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और हमने चेक भी किया था कि हमारा एक रूट आ रहा था दो, एक रूट आ रहा था तीन, तो देखिए दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, दो भी रियल नंबर है और तीन भी रियल नंबर है, और दोनों क्या है, अलग है, दोनों समान नहीं है। अब अगर बात करें अगले वाले में, तो वास्तविक और समान कब आएगा, ये तब आएगा दोस्तों जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो हमने निकाला, ये किसके बराबर आ जाए, ये जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो अगर ऐसा केस आता है तो मूल हमारे रियल होंगे और दोनों के दोनों मूल समान रहेंगे। तो एक खासियत क्या है इसकी दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि जब भी ऐसा आएगा ना, तो जो भी हमारा समीकरण दिया रहेगा, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो दिया रहता है इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो अगर इसके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे आप, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके देख लेते हैं, बी की वैल्यू क्या है, ये है बी की वैल्यू, बी स्क्वायर गलत लिख दिया क्या, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद करेंगे, है ना। ए की वैल्यू क्या है, वन है ना, बी की वैल्यू क्या है, टू, और सी की वैल्यू क्या है, वन है, वन टू वन। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू क्या है, टू, टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, तो चार माइनस चार इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो तो आ गई। तो जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और दोनों मूल सेम होने चाहिए। तो देख लेते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या आएगा, अब ये क्या आएगा, सीधी सी बात है, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख लिए होंगे आप में से कुछ लोग, तो ये लिखा है x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। मतलब कहने का क्या,
है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन दोनों के दोनों मूल क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों मूल हमारे एक के बराबर, मतलब माइनस वन के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि x प्लस वन बराबर जीरो है, तो x प्लस वन बराबर जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन। यानी है क्या भाई माइनस वन, क्या है तो रियली नंबर, मैंने आपको रियल नंबर बताया था ना, क्या था पूरा जितने नंबर होते सब रियल नंबर होते हैं, बस वो रूट के अंदर माइनस और उलूल जुलूल जो रहते हैं बस वही इमेजिनरी है। तो है तो ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, लेकिन दोनों के दोनों समान है, देखिए ये भी x प्लस वन है ये भी x प्लस वन, तो वही मैंने लिखा है कि दोनों के दोनों क्या है तो वास्तविक संख्या लेकिन समान रूट रहेंगे, ठीक है क्लियर। बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जीरो होने पे। काल्पनिक कब होगा, काल्पनिक तब होगा दोस्तों जब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, लेस देन जीरो, ठीक है, यानी निगेटिव आ जाए, माइनस पाँच आ जाए, माइनस तीन आ जाए, माइनस वन पॉइंट टू आ जाए, वन पॉइंट फाइव कुछ भी आ जाए, मतलब अगर निगेटिव आया लेस देन जीरो आया तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बोलता है हमसे, अगर मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में बता देता हूँ एक बार, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये सिलेबस का पार्ट है और थोड़ा सा कंप्लीशन की फीलिंग आए बस इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसीलिए मैं बस टू द पॉइंट वही बातें बताता हूँ जो हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, ठीक है। कूड़ा कचड़ा पढ़ लेंगे, पता चला अब आया ही नहीं एग्जाम में तो क्या मतलब है, लेकिन ठीक है अगर कभी कभी आने की संभावना पूछ ले मान लीजिए तो बहुत ईजी सा इसको कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा था, मैंने आपको क्या बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब हम क्या अभी तक चर्चा कर रहे थे कि इसका जो है मूल देख रहे थे कि रियल है कि इमेजिनरी है कि समान है, तो उसके लिए हमने क्या किया था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके चेक कर लिए, है ना, कि अगर पॉजिटिव आया तो जो है रियल है, जीरो आया तो इक्वल है, और अगर लेस देन जीरो आया तो भाई इमेजिनरी है, बेकार है ना, कोई मतलब नहीं। अब मान लीजिए जब हमने किया तो हमारे दो रूट निकल के आए, ठीक, एक को रूट बोल दिया अल्फ़ा, एक रूट को बोल दिया बीटा, ठीक है, एक रूट को बोल दिया अल्फ़ा, एक रूट को बोल दिया बीटा। यानी ये जो हमारा, एक बात बताएं, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये दो को मान लीजिए अल्फ़ा बोल दिया, तीन को बीटा बोल दिया, यही बोल रहा हूँ मैं कहने का मतलब, ठीक है, जो हमारे रूट निकल के आए। तो अगर अल्फ़ा और बीटा की बात करें तो अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता क्या है, मूलो वन सेकेंड, मूलों का योग, ठीक, मूलों का योग अगर हमसे पूछे, हमसे मूल निकालने को ना पूछे, हमसे ये ना पूछे कि उनकी प्रकृति क्या है, हमसे ये भी ना पूछे कि वो इक्वल है कि अनइक्वल है, कुछ ना पूछे हमसे, हमसे बस ये बताए कि देखो भाई सीधी सी बात है आपके सामने ये जो है द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमको ये बताओ कि इनके मूलों का योग क्या होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे माइनस बी बाई ए, ठीक, माइनस बी बाई ए, तो हम बस ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, उनको डिवाइड करके माइनस साइन लगा देंगे, ठीक, क्लियर बात हो गया। अब हमसे अगर पूछे कि बताइए मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणन, अगर दोनों को गुणा करना हो तब क्या होगा, भाई ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अब हमसे बोल रहे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू बताओ, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाई ए, क्लियर है, सी बाई ए, यहाँ माइनस होने साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या है सी बाई ए, यानी ये जो सी था और ए था बस उसी को कर देंगे, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, बस दोस्तों यही इतना सच चीज़ समझना था हमें, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं, ये मैंने आपको जब बताया था घातांक कर्णी, तो इसीलिए मैं दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि इसको आपको करना चाहिए, अब अगर आप वहाँ पे नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे ना, एक बताया था एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर मान लीजिए इसका बताया था, और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ऐसा करके एक्स नहीं ए ए और बी था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बताया था, ए माइनस बी का होल क्यूब बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब बताया था, याद आ रहा है ना आपको, ये सब बताया था मैंने। अब देखिए उसी का हमको यहाँ पे यूज़ पड़ेगा, अब उसी का यूज़ पड़ेगा, क्या यूज़ पड़ेगा, जैसे कभी कभी मैं आपको अब इसको ना एक क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा, सीधी सी बात है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इसीलिए ले ही रखे हैं, है ना, तो देखिए क्या कराऊंगा मैं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है, डिमांड समझिएगा क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि भाई देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स की कुछ वैल्यू दे दिया, कुछ दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे देगा और बोलेगा कि बताओ एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ, ठीक। अगला क्या बोलेगा,
कि भाई अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दे दिया कुछ, ठीक, तो अब बताओ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ, ऐसा दे देगा, ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि बताओ एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर क्या होगा, ठीक, यहाँ माइनस साइन है तब प्लस का पूछा है, तब बताओ क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इनको कैसे करेंगे, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आप समझते जाएंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, ये मैंने लिखा कुछ की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट यानी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है माने क्या, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब ये चीज़ें कोई जल्दी बताए कि ना बताए, लेकिन हमारा दायित्व तो है कि इसको जो है एग्ज़ाम के हिसाब से करें। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि कोई इक्वेशन दी है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, यानी ये रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण है कि घन वाला है कि पावर चार कर दिया, घात उसका पाँच कर दिया, कुछ भी कर दिया हम कहते हैं, बस हमको एक समीकरण दिया है, है ना। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 ऐसे लिख दिया, है ना, कुछ भी। अब अगर हमसे बोले, ठीक है, हमसे क्या बोलेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि इस संख्या को, ये जो f ऑफ x लिखा है, इस संख्या को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूं, यानी f ऑफ x को मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूं, ठीक, ये बोल दिया मुझे कि x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो दो चीज़ पूछेगा हमसे, दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो वो बोलेगा कि बताइए पूर्णतया डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक, पहली चीज़। और अगर नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, समझ रहे हैं, नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सीधी बात है कि अगर पूर्णतया डिवाइड होगा, अगर भाग, मतलब भाग चला जा रहा है पूरा पूरा, है ना, पूरा पूरा, तो क्या होगा, ये क्या है x माइनस टू है ना, x माइनस टू है, तो x माइनस टू को जीरो के बराबर दिखाया, तो यानी x की वैल्यू कितनी आई, दो आई। तो हम क्या करेंगे ना, सीधी बात है, कुछ नहीं, कहीं कोई घबराना नहीं है, सीधे x की वैल्यू दो रख देनी है इसमें, ठीक है। जब आप इस पूरे में x की वैल्यू दो रखेंगे, x की वैल्यू दो रखेंगे और सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व होके वैल्यू जीरो के बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर दो यानी x माइनस दो, ये क्या था इसका, ये इसका गुणनखंड था, सीधी सी बात है, ये इसका क्या था, गुणनखंड था। अगर जीरो आया तो गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वही होता है जो उसका पार्ट हो, जो उसका हिस्सा हो, तो जो चीज़ उसकी हिस्सा है तो उसको रखने पे सेटिस्फाई तो करनी चाहिए, संतुष्ट तो करनी चाहिए, तो संतुष्ट करने का मतलब क्या, वो जीरो आना चाहिए, तो जीरो आ गया। तो अगर ऐसा करने पे जीरो आ रहा है तो वो गुणनखंड होगा। अब अगर ऐसा करने पे जीरो नहीं आ रहा है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई वैल्यू आ गई, मान लीजिए, अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ, मान लीजिए 21 आ गया, सपोज़ मुझे नहीं पता कितना आएगा, मान लीजिए 21 आ गया, कुछ आ गया, है ना। तो अगर कुछ आया तो जीरो आने पे तो हमने बोल दिया कि भाई वो उसका गुणनखंड था और वो उसको पूर्णतया सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन अगर नहीं आया तो ये जो 21 आया ना, यही इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक। यानी अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है x माइनस टू से, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है 2 पुट कर देंगे। 2 जब पुट करेंगे तो जो भी इसका वैल्यू निकल के आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए मेरा 21 निकल के आया, सपोज़ अब कितना आया मुझे नहीं पता, अगर 21 निकल के आया तो 21 रिमाइंडर हो गया। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे सॉल्व करने पे 15 निकल के आया तो 15 रिमाइंडर, जो निकल के आएगा वही रिमाइंडर हमारा हो जाएगा। और अगर जीरो निकल के आया तो इसका मतलब क्या है, वो उसको संतुष्ट कर रहा है, वो उसका क्या है, गुणनखंड है। क्लियर, समझ में आया, अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, अब वन बाय वन करके हम एक एक क्वेश्चन उठाते जाएंगे, आपको सॉल्व कराते जाएंगे, और अब इतना स्मूथ चलेगा ना लेक्चर कि आपको लगेगा कि हाँ, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, उलूल जुलूल की बातें नहीं करेंगे, है ना। और मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बता रखा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट, देखिए हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2018 में आया है PCS के, 2017 में आया है, ठीक है, 2017 में दो क्वेश्चन आ गए, देखिए 16 में, देखिए 1, 2, 3, 4, 16 में चार क्वेश्चन आए हैं। तो कहने का मतलब, जब ये छोटे से लल्लू से चीज़ें अगर आपको पता हैं तो उससे अगर आपके चार चार क्वेश्चन बन जा रहे हैं PCS में, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, है ना। इसका इंपॉर्टेंस देखिए, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस आप इसको ध्यान से करते चलिए। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 के बराबर दी है, तो बोला क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का मान बताना है। तो चलिए बता देते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। हमको क्या दिया है, हमको दिया है x माइनस 1 बाई एक्स, किसके बराबर दिया है,
तीन के बराबर दिया है, ये दिया है, ठीक है, हाँ इसी के बराबर दिया है, इसके बराबर दिया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, यही पूछा है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते थे, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर कर देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस टू टाइम्स ए बी, और यहाँ तीन तिरिक्का नौ, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, एक्स से एक्स तो उड़ गया, एक्स से एक्स तो उड़ गया, बचा माइनस दो इक्वल टू नौ, तो माइनस दो उधर चला गया तो क्या हो गया प्लस दो यानी ग्यारह। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ग्यारह, ये आ गया हमारा। अब हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे पावर क्या पूछा है, पावर चार पूछा है ना, पावर चार पूछा है। तो अब क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका भी इधर स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब जब करेंगे तो क्या आएगा, अब जब करेंगे तो क्या आएगा, फिर से आ जाएगा। अब क्या आएगा भाई, ये है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन अब इसका भी स्क्वायर कर दिया है तो यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू पूरी हमारी ये हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा बी है, बी स्क्वायर और प्लस प्लस टू, ये हमारा ए और ये हमारा बी, टू ए बी, और इधर क्या था, ग्यारह का स्क्वायर था, तो ग्यारह का स्क्वायर क्या हो गया, 121, क्लियर है, समझ में आया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स पावर फोर। हमने बताया था, देखिए घातांक करणी का बहुत यूज़ है दोस्तों, आप समझते नहीं है कि अगर आप उसको नहीं किए होंगे ना, तो वही मैं बोलता हूँ कि अगर आप लेक्चर को वन बाई वन करके चलते रहेंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ यार मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप चूंकि उसको शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लेक्चर को लेकर चलने में आगे आसानी होगी, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्स की पावर एम की पावर एन है तो एम गुड़े एन हो जाएगा एक्स की पावर में, यही है, है ना। तो एक्स की पावर फोर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर। अब यहाँ पे क्या, ये काटा पीटी मच गया, प्लस टू इक्वल टू 121। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर क्या हो गया, 119 हो गया, क्लियर है, 119 हो गया, ठीक, 119 हो गया। तो अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि कितना ईजी हमारा क्वेश्चन बन गया, और 119 ये देखिए ये है, है ना, सीधे हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमको ये चीज़ें पता रहेंगी दोस्तों तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। अब एग्ज़ाम में अगर हमको करना तो कैसे करेंगे हम, अब इतना सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। अब एक चीज़ समझिए आप, कि हमको अगर एग्ज़ाम में करना हो, आप एक कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो चलिए अगर एक आध क्वेश्चन और है क्या, हाँ बहुत क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें मैं बताता हूँ बहुत क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम एग्ज़ाम में हैं सपोज़, तो हम इतना सॉल्व करें तो भी ठीक है, और अगर हम चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमसे क्या है, हमको ये ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है कि प्लस, तो हमने देखा माइनस है, और हमको लाना क्या है पावर में, चार लाना है। तो पहले तो इसको एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद एक बार और करेंगे, दो बार करेंगे, तो दो बार की जरूरत समझ में आ रही है ना। तो अब एक चीज़ देखिए, हमारे यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ गया, तीन तिरिक्का नौ आ गया, और ये जो माइनस साइन है तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, माइनस टू ए बी आएगा, तो माइनस टू ए बी मतलब ए बी तो कट गया, माइनस टू आएगा इधर, तो माइनस टू आएगा तो क्या करेंगे, इधर करके प्लस टू कर देंगे, मतलब इसको स्क्वायर किया और प्लस टू कर दिया, यानी ग्यारह आ गया, ठीक, ग्यारह आ गया। अब जब ग्यारह आ गया तो हमको ये समझ में आ गया यहाँ पे अब प्लस आ चुका है साइन, अब हमारा साइन यहाँ पे क्या आ चुका है, अब यहाँ पे हमारा प्लस का साइन आ चुका है, पहले यहाँ माइनस का साइन था लेकिन अब ये प्लस का साइन आ चुका है, देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए इसी इस प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे है माइनस लेकिन जब स्क्वायर किया तो ये प्लस आ गया, ठीक। तो अगर आप इतना चीज़ देख लेंगे ना तो बहुत आसानी से आपकी चीज़ें हो जाएंगी, और नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिया है, है ना। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अब ये किसके बराबर आ गया, ग्यारह के। अब हमको चूंकि पावर चार ले जाना तो फिर से स्क्वायर करेंगे, तो ग्यारह ग्यारह हमें क्या हो गया, 121 हो गया, 121 हो गया। तो यहाँ भी जब पावर होगा तो पावर चार तो हो ही जाएगा, लेकिन प्लस टू एक्स वाई आएगा, है ना, प्लस टू एक्स वाई आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो जब यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई आएगा तो यहाँ पे प्लस टू आया, तो अब यहाँ पे जब जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर आया 119, ठीक है, देखिए 119 आया, ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत, ये था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी का देखिए एप्लीकेशन आ गया, कितना अच्छा है ना। क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स क्यूब
प्लस 4x² माइनस 2x + 3 ये है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस टू से भाग दें तो शेष कितना आएगा। देखिए वही चीज़ आ गया, एक चीज मैंने आपको दो केस बताया था ना, कि एक तो बताया था कि अगर भाग देने पे जीरो आ जाए तब तो वो उसका क्या है, गुणनखंड है, है ना। तो अगर ये पूछ लिख बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड है कि नहीं अगर देखना है तो हम बराबर रख के जीरो आएगा कि नहीं ये चेक करेंगे। और अगर हमसे शेषफल पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू दो रख देंगे, है ना, क्योंकि एक्स माइनस दो है तो एक्स माइनस दो बराबर जीरो दिखा तो एक्स की वैल्यू दो आ गई। तो एक्स की वैल्यू जब दो रखेंगे तो इसी में उठा के दो रख दीजिए, बस दो रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वही उसका शेषफल हो जाएगा, सीधी बात है, जो आएगा वही उसका शेषफल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आया शेषफल, इसका मतलब क्या है, वो उसका गुणनखंड है, है ना, एक लाइन में। तो अब दो रख के देख लेते हैं, जब दो रख के देखेंगे तो ये क्या हो गया, दो दूनी चार दूनी आठ, ठीक है, तो आठ हो गया, प्लस चार गुड़े, अब यहाँ पे दो दूनी चार हो गया, माइनस दो गुड़े दो प्लस तीन, सही है ना, क्लियर भाई, ये दो का क्यूब हो गया, दो का स्क्वायर हो गया, दो हो गया, क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, आठ प्लस चार चौक सोलह माइनस चार प्लस तीन, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आठ सोलह, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, माने 23। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता रहेंगी दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता है कि, है ना, बहुत बेसिक सी बात मैं बता रहा हूँ, कि अगर आपको ये नहीं पता है कि x माइनस दो से भाग देने पे शेष कितना आएगा, अपने करना क्या है, तो कुछ नहीं करना था, बताइए कितना अच्छा था, बस x बराबर दो रखना था, बस इसमें x बराबर दो रखना था, x बराबर दो रखते ही आपका आंसर आ गया। सोचिए देखते ही मारने वाला क्वेश्चन है कि नहीं, है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या बोल रहा है कि यदि क्या बोल रहा है, एक्स प्लस दो, ठीक है, एक्स प्लस दो एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के को पूर्णतया विभाजित करता है तो के का मान बताइए, के का मान बताइए, ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको ना होमवर्क में देता हूँ, कर लेंगे ना आप, होमवर्क में देता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है, आपका पहला होमवर्क हुआ, ये आपका पहला होमवर्क हुआ, क्लियर दोस्तों, इसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अटेम्प्ट करके ऑप्शन में से बताइएगा, ठीक है, पहला होमवर्क हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और मुझे बताइएगा कि ए बी सी डी में से कौन सा है, माइनस चार चार माइनस आठ, आप लिख के बताइएगा, है ना, अपने हिसाब से, ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क हो गया आज का। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की, अगले आते हैं। अब ये जो मैंने चारों क्वेश्चन लिए हैं, ये चारों के चारों मूल से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके आने की संभावना है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सिलेबस में है, मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया है, तो इसलिए मैंने उसके कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये इक्वेशन दी है, तो बोल रहा है बताइए इसके कितने वास्तविक मूल संभव हैं, हमसे वास्तविक मूल पूछा है, तो जब वास्तविक मूल पूछा है तो हम तुरंत हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, हमारे दिमाग में जाना चाहिए भाई हमको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया या फिर इक्वल टू जीरो आ गया तभी मूल वास्तविक होंगे। तो ग्रेटर देन जीरो में कितने मूल आएंगे, दो, और इक्वल टू जीरो में कितने मूल आएंगे, एक आएंगे, है ना, एक ही मूल तो आएगा, वही मूल तो समान रहेगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर वाले में एक ही मूल तो आता है, दोनों मूल समान कह दें या फिर एक ही मूल बोलें, बात तो एक ही है ना, और इसमें अलग अलग मूल आएंगे जब ग्रेटर देन जीरो होगा, तब इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं, अब आप हमको ये बताइए कि इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है बताइए, चार है, है ना, ए की वैल्यू चार है, बी की वैल्यू कितनी है बताइए, 20 है कि माइनस 20 है, b की वैल्यू माइनस 20 है, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा बार बार, क्योंकि हम कंपेयर किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं, है ना, तो प्लस के बजाय यहाँ माइनस साइन है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 20, और c की वैल्यू क्या होगी, 25, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में, तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में रखेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर और माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, चार है, और सी की वैल्यू क्या है, 25 है, ठीक है, 25। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी ये है माइनस 20 का स्क्वायर, तो माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 भी सम में 400 और माइनस माइनस प्लस, तो वो तो उड़ गया, और अब ये माइनस साइन है, माइनस 4ac, तो 4ac जब करेंगे तो क्या आएगा, चार चौक 16 × 25 आएगा, 16 × 25, तो 16 × 25 कितना हो गया, 400, और ये भी 400 आ रहा है क्या, 2400, हाँ ये भी 400 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी क्या हो गया, मूल हमारे दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, वास्तविक मूल तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल रहेंगे, यानी मूलों की संख्या कितनी है, एक, ठीक, दो होगा क्या, नहीं, जीरो होगा क्या, नहीं,
तो हमारा क्या हो गया, एक। क्लियर है? अब इसी तरीके से इसका भी चेक कर लेंगे। इसमें भी पूछा क्या कितने वास्तविक मूल संभव हैं, तो बस देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर एसी करके। अब बताइए बी क्या है इसका, यहीं पे लिखेंगे। अब इसको यहीं लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी सीधे लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू, यार ये क्या हो रहा है, हाँ बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी माइनस पाँच का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर, माइनस पाँच क्यों किया, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस पाँच है, सीधी बात। बी स्क्वायर माइनस 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 फोर ए सी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है वन, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है छः, है ना। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, पाँच पचास पच्चीस, पच्चीस हुआ, और माइनस माइनस प्लस तो कोई मतलब ही नहीं, माइनस माइनस फोर ए सी तो चार छंग चौबीस, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू एक के बराबर आई। तो अब एक क्या है, एक जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब मूल क्या होंगे, इसके वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, तो वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे तो कितने मूल पॉसिबल हो गए, दो मूल हो गए इसके पॉसिबल। क्लियर है ना, समझ में आया? तो ऐसे करना है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें भी पूछता है कि कितने वास्तविक मूल संभव है, इसका भी देख लेते हैं भाई कितने वास्तविक मूल संभव है। आइए देख लेते हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम, वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे, बस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पाँच का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस चार, ए कितना है वन, और सी कितना है बारह, तो पाँच पचास हम पच्चीस, और बारह चौक अड़तालीस, तो ये निगेटिव आ रहा है ना, ये निगेटिव आ रहा है। अब निगेटिव जितना भी है, चौबीस दुनिया अड़तालीस माइनस तेईस आ रहा है ना, तो निगेटिव मतलब लेस देन जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है भाई, इसके वास्तविक मूल तो होंगे ही नहीं, इसके काल्पनिक मूल होंगे, है ना, काल्पनिक मूल होंगे। तो जब काल्पनिक मूल होंगे, तो जब हमसे पूछा क्या वास्तविक, तो काल्पनिक मूल होंगे तो भाई क्या है, वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी, जीरो, सीधी सी बात है, एक को मूल ही नहीं होंगे वास्तविक, सब काल्पनिक होंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव, मूलों का योग बताना है। तो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तुरंत बताइए, मैंने क्या बताया था, एक अल्फा प्लस बीटा बताया था, एक अल्फा इंटू बीटा बताया था। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या था, अल्फा प्लस बीटा में था क्या, माइनस साइन के साथ बी बाई ए, माइनस साइन के साथ बी बाई ए, यही था। और अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से देखिए बी की वैल्यू कितनी, बताइए मुझे बी की वैल्यू, मुझे बताइए बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस ट्वेल्व है कि प्लस ट्वेल्व है, बताइए। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसी से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस ट्वेल्व आई। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस ट्वेल्व आई। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू चार है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो जब माइनस ऑफ बी बाई ए है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस है और बी बाई ए है, बी बाई ए, तो ठीक है कर देते हैं ना भाई, माइनस है और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी खुद माइनस ट्वेल्व है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस ट्वेल्व है, और ए की वैल्यू क्या है, चार है। तो ये माइनस से माइनस उड़ गया, यानी बारह बटे चार आया, तो बारह बटे चार मतलब तीन, यानी हमारे जो मूल हैं उनका योग क्या आएगा, तीन। ठीक है, हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी क्या, नहीं करनी पड़ी, सीधे हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो देखिए दोस्तों ऐसे चलता है ना हमारा सिस्टम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अगला क्वेश्चन, यदि एक्स वाई, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू तेरह हो, ठीक है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा। पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कितना भी लेक्चर फॉलो कर लें, जो भी चीज़ें बताएं, अगर क्वेश्चन के माध्यम से मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वो नहीं सीखोगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम बनने में बहुत मुश्किल होगी, है ना। कहने को ये देखिए आ रहा है बीजगणित में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा, ये चीज़ हमको सीखना है। इसीलिए मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम लिया हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बस आप धैर्य से 2x स्पीड पे इसको सुन जाइए, आपका सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए अब क्या बोला कि x और y का धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ये जो है इसके बराबर है। तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा, बताइए। तो अब एक चीज़ देखिए, हमने आपको क्या बोला था, अब इसको करेंगे कैसे, हमने ये बोला कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये क्या है, एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस वाई, इन्हीं दो संख्याओं का तो गुणनफल है, इसी को तो मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही मैंने दिखा दिया, और उसको किसके बराबर दिखाया है,
उसको दिखाया है 13 के बराबर। अब एक चीज़ समझिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि एक नंबर ये है और एक नंबर ये, दोनों को गुणा कर रहे हैं और आ रहा है कितना 13, दोनों को करें तो आ कितना रहा है 13। और मजे की बात क्या है कि दोनों के दोनों क्या धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर है, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 5, 7, 6 ऐसे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी पूर्णांक में कोई और पूर्णांक जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी तो कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा, सीधी सी बात है, है ना भाई। किसी 10 में 5 घटाए 5 आया, 10 में 7 घटाए 3 आया। जब किसी इंटीजर में यानी पूरे 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 नंबर में पूर्णांक में आप पूर्णांक घटाओगे तो कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा ही मिलेगा, या फिर जोड़ोगे तो पूर्णांक मिलेगा ही मिलेगा। यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जब दो पूर्णांकों को गुणा किया तो एक नंबर मिल रहा है 13। अब हमको पता है भाई 13 क्या है, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 क्या अभाज्य संख्या, 13 किसी दो नंबर में नहीं टूटेगा कि एक ये को गुणा करें तो मिल जाए, नहीं, 13 क्या है, ये किसी से जाएगा ही नहीं, अपने और एक के सिवा। तो हमको ये समझ में आ गया, कि x प्लस वाई और x माइनस वाई ये है और ये है किसके बराबर 13। तो हम इसको 13 को 13 गुणे कर दें, 13 गुणे कर दें क्योंकि और तो टूटेगा ही नहीं, तो अब एक चीज़ समझिए कि ये नंबर क्या है, बड़ा है, और इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, और इसमें अब छोटा नंबर कौन सा है, ये है छोटा, और ये क्या है छोटा, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया क्योंकि और टूट ही नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर सी बात है। तो अगर हम इसको इसके बराबर दिखा दें, यानी अगर हमको ये पता चल गया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 13 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, ये मिल गई। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें, है ना, इसको इक्वेशन एक बोल दीजिए, इसको इक्वेशन दो बोल दीजिए। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, मान लीजिए दोनों को जोड़ दें, तो ये तो हो गया 2x और ये y से y उड़ गया, है ना, ये माइनस वाई ये प्लस वाई, तो ये तो उड़ गया, तो यहाँ क्या आ गया 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक। उसी तरीके जब x की वैल्यू 7 आ गई तो किसी में उठा के रख दीजिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी 6। तो अगर कहने का मतलब ये, कहने का मतलब जो मैं बताने जा रहा था ये कि हमको ये दिया था, है ना, तो हमने क्या किया, इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई फॉर्मूले में कर दिया, 13 कर दिया, और 13 चूंकि अभाज्य संख्या है तो हमने क्या किया 13 गुणे 1 कर दिया। तो बड़ी वाली संख्या को बड़ी वाली के बराबर, छोटी वाली संख्या को छोटी वाली के बराबर। तो जब x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 1, तो जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई, तो अब इसी का संभव मान पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 7, 7, 49, 6, 6, 36, ठीक है। तो ये 5, 3, 8, 85 आ गया ना, क्लियर सी बात है। तो देखिए यही होता है दोस्तों जो हमको सॉल्व करना होता है। तो अब इतनी सी बात है, अगर हमको ये चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो अब आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाख का पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, क्या मैंने ये चीज़ें कहीं लेक्चर में बताई, नहीं बताई। तो ये चीज़ें कब आएंगी हमारे दिमाग में, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मैंने इस जो सीरीज़ है ना, इसको पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड बना दिया क्वेश्चन के बेसिस पे, ताकि कुछ फंडामेंटल बता के मैं अपने आगे के जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूँ। क्लियर है, सही है ना। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। अब ये था 2018 क्वेश्चन, अब देखिए आ रहा हूँ 2017 क्वेश्चन पे। आप ध्यान दे रहे होंगे मैं यूपीएससी का क्वेश्चन ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते ही नहीं, ना के बराबर आते हैं। तो आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पीसीएस के लिए रामबाड़ है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना, ये आपको दिख भी रहा होगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ये लिखा हुआ इसका सरलतम रूप बताइए। अब सरलतम रूप बताना है तो अब वही घातांकरणी आप लोग नहीं पढ़े होगे तो बस अब यहाँ पे घूमोगे आप लोग, कोई बात नहीं, मैं आपको फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ पे वन स्क्वायर कर दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक। एक तो ये चीज़ लिखा है और दूसरा चीज़ ये लिखा है, है ना, दूसरा चीज़ ये लिखा है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको अगर एक्स स्क्वायर है, इसको वन को स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमको क्या मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो मिल गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, ठीक। और नीचे क्या है, एक्स प्लस वन ही है। तो अब काटा पीटी मच गया, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन उड़ गया, तो हमारा इसका वैल्यू क्या आया, एक्स माइनस वन आया। किसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू एक्स माइनस वन आया, इस पूरे का वैल्यू एक्स माइनस वन आया, ठीक। एक्स माइनस वन आ गया, अब इसका वैल्यू तो आ गया, अब इसी को डिवाइड करना है,
है ना। तो अब दूसरे वाले का देखते हैं कितना वैल्यू आता है, तो दूसरे वाले का देखते हैं कितना वैल्यू आता है। अब इसको देख लेते हैं, अब दूसरा क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस वन है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर हम वन क्यूब कर दें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वन का पावर स्क्वायर करो, वन का क्यूब करो, वन का हज़ार करो, कुछ भी करो, पावर में एक ही आना है। तो अपनी सुविधा के लिए मैंने वन क्यूब कर दिया, तो इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, हमको ये फ़ायदा हो गया दोस्तों कि हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, पहले ब्रैकेट में ये है, पहले ब्रैकेट में कलम चेंज करके लिखो, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो अब यही हमको करना है, अब यहाँ पे हम जब करेंगे ये चीज़ें तो क्या करेंगे बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में क्या हो गया ए माइनस बी, है ना, ए बी, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी, ए बी यानी एक्स इंटू वन और प्लस वन स्क्वायर, ये इंटू का साइन है, ठीक है, प्लस वन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या है, एक्स माइनस वन आया और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो फिर आपको दिख गया काटा पीटी मचाने का, काटा पीटी मचा देते हैं, ये से इसे उड़कर उड़ गया, तो बचा क्या, एक्स माइनस वन इसका वैल्यू आया, तो इसका वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन, अच्छा इसका वैल्यू भी एक्स माइनस वन आ गया। अब आ गया ना, सिंपल सी बात ही हो गई, हमसे बोला कि डिवाइड करना है तो दोनों का सरलतम रूप क्या होगा, तो भाई इसका वैल्यू भी एक्स माइनस वन है, है ना, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये भी एक्स माइनस वन आया, इसको सॉल्व किया तो ये भी एक्स माइनस वन आया, दोनों को डिवाइड कर देते तो आंसर कितना आ गया वन, सीधी सी बात, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब उसी में अगर आपको नहीं पता रहे तो फिर आप क्या करोगे, आप भटकोगे, फिर तुक्का मारोगे कि ये मारे कि ये मारे कि ये मारे, जबकि एक्स से कोई लेना देना नहीं है, सब कट पिट गया, है ना, तो इजी क्वेश्चन था, तो था कि नहीं, तो कहने का मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखिए आया है, अब इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका आज का दूसरा होमवर्क है, ठीक है, ये आपका आज का दूसरा होमवर्क है, होमवर्क नंबर टू, ठीक, ये होमवर्क नंबर टू, आप जब कमेंट कीजिएगा तो ऐसे डालिएगा कि वन इसका आंसर ये होगा, टू ऐसा, अब जितने होमवर्क होते जाएंगे मैं देता जाऊंगा, इसको मैंने ऑलरेडी देखिए डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं आपको इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अब ये हो गया, अब देखिए आगे का क्वेश्चन 2016 का, देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन आए, 2004 क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब इसका वेटेज देखिए दोस्तों, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा आ गया मान लीजिए 2024 में तो आपका तो लॉटरी लग जाएगा, है ना, कि अगर आप तीन में से दो भी, मतलब अगर तीन क्वेश्चन आ गए मान लीजिए या फिर चार क्वेश्चन आ गए जितने भी, उसमें अगर आप दो तीन कर लिए एक ही टॉपिक से एक घंटे में, है ना, तो बस आपका काम बन गया, एक घंटे का लेक्चर है लगभग, एक सवा घंटे का। तो अब देखिए ये है, क्या बोल रहा है, ये है हमारा पहला प्रॉब्लम, दिख रहा है आपको, जूम कर देता हूँ, देखिए 2x माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू 6 है, तो बोला कि 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x का मान बताओ, तो सीधी बात है यार, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको कुछ करना ही नहीं है, अब हम इसको सॉल्व करना है, तो हमको ये समझ में आ गया क्या कि भाई 2x का स्क्वायर करेंगे तो वो 4x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि दो दूनी चार और x का x स्क्वायर, तो वही 4x स्क्वायर आ गया, है ना, इतना समझ में आ गया, तो कहने का मतलब इतना समझ में आ गया कि हमको इसका स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करना है तो वैल्यू बतानी है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है क्या, अगर इसका स्क्वायर किया, है ना, इसका स्क्वायर किया तो ये तो आ गया हमारा किसके बराबर, ये तो हमारा आ गया 36 के बराबर आ गया, है ना, और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, अब चूंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, माइनस टू ए बी होगा, है ना, माइनस टू ए बी होगा, तो पहले तो ए स्क्वायर हो गया यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई 2x स्क्वायर और माइनस 2x और 1 बाई 2x तो 1 बाई 2x, है ना, तो इससे तो ये उड़ गया, तो कहने का मतलब माइनस टू आया, तो माइनस टू इधर जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा, समझ में आया, जैसे पिछले बार बताया था, तो 36 2 38 आंसर तो आ गया ऐसे, है ना, आंसर तो आ गया ऐसे। अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ, है ना, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ कि क्या है 2x माइनस 1 बाई 2x, है ना, ये है किसके बराबर दिया, 6 के बराबर, कलम चेंज कर दूँ क्या, हाँ 6 के बराबर दिया है, ठीक है 6 के बराबर, ठीक, तो मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो जब इधर स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई 2x का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, माइनस टू ए क्या है 2x, b क्या है 1 बाई 2x, 2ab हो गया। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 36 के, क्योंकि उधर 36 लिखा हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 2x इंटू 2x यानी 4x स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 बाई 4x स्क्वायर, और ये क्या है ये इससे कट गया कटापीटी, माइनस 2 इक्वल टू क्या है 36। अब यही माइनस 2 इधर जाएगा तो 38 हो जाएगा, है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर इक्वल टू 38, है ना 38। तो वही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है, समझ में आया। यानी हमने क्या किया, अब अगर मैं आपको फिर से बताऊं शॉर्ट में, तो मैंने क्या किया था, अब यहाँ पे मैंने भाई क्या किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, ये क्या कर दिया 36 कर दिया। अब मैंने ये देखा कि यहाँ माइनस साइन है तो 2ab होगा माइनस के साथ, तो ab ab उड़ गया माइनस 2 हुआ, तो माइनस 2 को इधर ले गए प्लस 2 कर दिया, यानी 36 दो 38 सीधे आंसर आ गया 38। अगर यहाँ प्लस प्लस होता मतलब 2x प्लस 1 बाई 2x होता, तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता, तब जब तब 2ab आता ना तो यहाँ माइनस करते, है ना। अभी समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब माइनस आया तो उधर गया प्लस हो गया, जब प्लस आएगा तो इधर माइनस होगा, तो 36 के बजाय 34 हो जाता है आंसर, लेकिन जो दिया है वही करेंगे हम, क्लियर है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, सब यही सॉल्व करके बस आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि करना कैसे है, बाकी अप्रोच तो मैंने आपको बता ही दी है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है एक व्यंजक दिया हुआ है, एक व्यंजक ये है, है ना, इसको मैं हाईलाइट करूँ, अगर ये है एक और एक ये है, इनका गुणनखंड पूछा है, तो यार कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, आपको दिखा ये क्या है ए का क्यूब और ये क्या है बी का क्यूब, दोनों को जोड़ दिया, यानी ये क्या लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही लिखा है, केवल यही लिखा है। अब अगर यही हमको पता चल जाए तो हमारा काम ना बन जाए, तो हमने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है क्लियर, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो यहाँ याद कर लीजिए, ठीक है नहीं याद आ रहा तो यहाँ याद कर लीजिए। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो यहाँ प्लस हो जाता, बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है यहाँ माइनस हो जाता, क्लियर क्लियर, अगर क्लियर है समझ में आ रहा है ना। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और अगर माइनस साइन की बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे प्लस वाला पूछा है, तो अब x की जगह पे क्या है लिख देते हैं, x की जगह पे है x प्लस वाई, a की जगह पे y की मतलब ये है ना, यानी a क्यूब की a क्यूब और b क्यूब है, तो a की जगह पे क्या है x प्लस वाई है, और b की जगह पे क्या है x माइनस वाई है, दिख रहा है x माइनस वाई, तो यही करना है, तो जब यही करना है तो काम हो जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं करके, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, ये है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट में क्या करोगे a प्लस बी, यानी है ना इतना प्लस इतना, यानी x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, पहले ब्रैकेट में तो a प्लस बी हो गया, ये a हो गया ये b हो गया, पहले ब्रैकेट का तो हो गया, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस माइनस ए बी, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है क्लोज हो गया। अब देखिए आगे, अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को तो क्या हो गया y से y उड़ गया, बचा क्या 2x, पहले ब्रैकेट में तो 2x बचा भाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा इस वाले में, इस वाले में। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको खोलिए पहले, जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ है ना, इसको जब करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक क्लियर है। और ये माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाया, ये क्या है ए प्लस बी और ए माइनस, मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो गया माइनस साइन उड़ गया क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। और प्लस अब इसको खोलेंगे इस वाले को,
तो जब इस वाले को खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी और माइनस टू एक्स वाई। क्लियर, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, ये समझ में आया पूरे ब्रैकेट के अंदर का। अब देखिए अब आगे करते हैं, अब जब आगे करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आया क्या, टू एक्स वाई से टू एक्स वाई उड़ गया क्योंकि ये माइनस है वो प्लस है। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, ये है हमारा 2x, इस वाले में क्या बचा, एक तो ये बचा, एक ये बचा, एक पूरा का पूरा ये बचा और ये बचा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन है तो खुलेगा तो ये माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस इसमें जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ही है। ठीक है, तो अब काटा पीटी फिर से मचाइए, ये एक्स स्क्वायर से मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर उड़ गया, ठीक, एक एक्स स्क्वायर अभी बचा है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, टू एक्स तो ये है ही, अंदर वाले में क्या बचा, एक एक्स स्क्वायर बचा और वाई स्क्वायर कितने बचे, एक दो तीन, तीन वाई स्क्वायर बचे। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई, ये लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब ये मैं इतना सॉल्व किया इसलिए अब मुझे इतना समय लगा, अगर मुझे पता होता मुझे इतना एक्सप्लेन ना करना होता तो आप खुद ही देख रहे हैं कि बस सीधी सी बात है, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है बस, अब उसी में ए की जगह पे एक्स प्लस वाई है, बी की जगह पे एक्स माइनस वाई है, बस इतना ही लिखना है, और उसी को जब सॉल्व किया तो फटाक से यही आ गया। ठीक, क्लियर है, ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है लिखा है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मैं जो आपको बताया, जैसे मान लो एक मैंने आपको ये वाला बताया था, ये वाला, ये जो तेरह वाला कहाँ गया, है ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये की कॉन्सेप्ट वाले हैं, इसीलिए मैं प्रॉब्लम ही इस तरीके के ले रहा हूँ। अब जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, पीसीएस 2016 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है, बोल रहा है कि एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन है। ठीक है, तो बताना है कि बताइए एक्स माइनस फाइव और थ्री इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। अब देखिए इसमें क्या है, हमको क्या बोल दिया, हमको बोल दिया एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है, ठीक है, अब हमको ये दे दिया है, तो जब ये दे दिया तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन कर दें इक्वल टू जीरो हो गया। अब हमसे क्या पूछा, एक्स माइनस पाँच और थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर का, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस थ्री वाई और इसको माइनस पाँच और माइनस चार कर दें, है ना, माइनस पाँच माइनस चार कर देंगे अगर तो भी तो माइनस नौ हो जाएगा, है ना। अब मैंने माइनस चार माइनस पाँच क्यों किया, क्योंकि हमसे यहाँ माइनस पाँच और माइनस चार का डिमांड किया हुआ है तो हम कर दिए। अब देखिए आगे अगले लाइन में क्या करता हूँ मैं, एक्स माइनस पाँच कर दिया, ठीक, मतलब इसको और इसको साथ ले लिया एक्स माइनस पाँच, और प्लस थ्री वाई माइनस फोर ले लिया, यानी यानी समझ रहे हैं, इसको और इसको साथ ले लिया, तो अब क्या हुआ, एक तो ये बन गया एक तो ये बन गया इक्वल टू जीरो। ठीक, अब देखिए आगे अगली लाइन पे जो मैं लिख रहा हूँ कि मैंने इसको क्या किया, एक्स माइनस पाँच इधर कर दिया और इधर क्या कर दिया थ्री वाई माइनस फोर कर दिया, ठीक, और माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया, अब जब मैंने ये कर दिया तो अब क्या बचा मेरे पास, अब मुझे ये करना है, अब क्या करना है, अब दोनों तरफ मुझे क्यूब कर देना है, तो जब क्यूब करूँगा मैं, है ना, तो जब इस पर क्यूब करूँगा और इन पर क्यूब करूँगा तो माइनस का भी तो पूरा क्यूब होगा, है ना, पूरा क्यूब माइनस का भी हो जाएगा। ठीक है, जब क्यूब करूँगा तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस पाँच का होल क्यूब हो गया। ठीक, और यहाँ पर जब क्यूब होगा तो माइनस है तो माइनस 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 तीन बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस ये तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, और ये थ्री वाई माइनस फोर ना का क्यूब, ये हो गया। क्लियर है, तो अब जब ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस फाइव का क्यूब प्लस थ्री वाई माइनस फोर का क्यूब इक्वल टू जीरो। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ, तो मैंने यहाँ पे सोचा कैसे, ये चीज़ें मुझे दिमाग में कैसे आई, सीधी सी बात है ना, मैं एज ए टीचर अगर आपको कुछ बताने की कोशिश करूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कैसे, मुझे तो पहले से तो कुछ पता नहीं है, आई कैसे,
सीधी सी बात है, मेरे दिमाग में आई इस तरीके से कि यहाँ पे क्या लिखा है, नौ, यहाँ पे क्या लिखा है, नौ, और यहाँ पे क्या है, पाँच है, यहाँ पे क्या है, पाँच है, और यहाँ क्या है, चार, और देखिए एक्स और थ्री वाई कॉमन है, एक्स और थ्री वाई कॉमन है, तो इसने क्या किया, एक्स में पाँच घटा दिया और एक्स में चार घटा दिया। अरे तो भाई पाँच और चार आया कहाँ से, इसी नौ में से ही तो आया है, पाँच चार नौ होता है, तो वही मैंने नौ को जो है पाँच और चार में डिवाइड कर दिया, मतलब बाइफरकेट कर दिया अलग अलग। अब मुझसे क्या बोला, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, तो मैंने इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, है ना, बराबर के उधर ले जाके, तो जब बराबर के उधर ले जाके किया तो माइनस साइन था, माइनस का क्यूब किया तो माइनस आ गया, और अलग अलग क्यूब हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो जीरो आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो आ गया। क्लियर दोस्तों, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ध्यान से, हो सकता है ज़्यादा होमवर्क लग जाए लेकिन आप इसको करिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बता दिया है इससे रिलेटेड, तो इसको आप कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने सेम डिक्टो कराया है, जो मैंने आपको ये वाला कराया ना, तेरह वाला, कहाँ गया, ये जो कहाँ गया, थर्टीन वाला गायब हो गया क्या, हाँ ये वाला, ये देखो पीसीएस 2018 क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस 2018 को जो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बेसिस पे देखिए, अगर आपने इसको कर लिया तो इसका मतलब आप इसको भी कर लेंगे 2016 वाला, यानी अगर कोई कैंडिडेट 2016 का पीवाईक्यू लगाया होता तो क्या उसको 2018 का क्वेश्चन ना बन जाता वो वाला, तो आप इसको होमवर्क में लिखिए, ठीक है, इसको होमवर्क में लिखिए, ये वाला दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, ये है आपका आज का तीसरा होमवर्क, होमवर्क नंबर तीन, ठीक है, आज आपको नंबर ऑफ होमवर्क मिलेंगे, ठीक है, आज आपको नंबर ऑफ होमवर्क मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे टॉपिक आते हैं जिनको पढ़ाने में ऐसा लगता है कि हाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन में तीसरा आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक हैं, जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 को संतुष्ट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताना है, क्लियर है, ये है आपका प्रॉब्लम, आप कर लेंगे, क्लियर है, मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको आपको एक बार बता रखा है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में ऐसे डालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि ए बी सी डी क्या, 31, 11, 61, 91 आप सॉल्व कीजिए, डालिएगा, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा, ये कैसा क्वेश्चन ना, ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक समझनी होगी। जैसे आपको याद होगा, एक बार मैं आपको बताया था क्वेश्चन, आपको याद होगा कि नहीं, मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ तो आपको याद आ जाएगा कि एक क्वेश्चन था 3 की पावर x था, 4 की पावर y था और 12 की पावर z था, है ना, याद आया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो बताया था कि बोलिए 1/x + 1/y + ऐसा कुछ करके 1/ऐसा कुछ करके उसका वैल्यू पूछा था, याद आ रहा है। तो मैंने उसमें भी कुछ चीज़ें बताई थी आपको, इक्वल टू k मान के क्या कैसे करना, याद आ रहा है ना आपको। अगर नहीं याद आ रहा दोस्तों तो ध्यान से आप लेक्चर देखा करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, है ना, तभी आपको कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। अब आप ऐसे उछले कूदेंगे ना, इधर उधर भागेंगे, तो आप ये कितना भी सोचते रह जाइए कि कंप्लीट होगा, लेकिन आपको फीलिंग नहीं आएगी, आपका लेक्चर कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कूद, है ना, कूदते रहेंगे तो फिर पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पीवाईक्यू भी नहीं लगाओगे, है ना, आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, आपको जब यही नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आपको कमजोरी कहाँ है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे उन चीज़ों को, है ना। तो इसलिए जो मैं बताता जाता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया तुरंत आप उसका पीवाईक्यू लगाने बैठ जाइए, भयंकर तरीके से लगाइए। अरे भाई करना ही क्या है भाई, आपने पढ़ ही लिया उस टॉपिक को, अब आपको पीवाईक्यू लगाना है। अब पीवाईक्यू लगाना है, उसमें आपको ये देखना भाई कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है बस उसी पे स्ट्राइक करके, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे बुलेट करके अपने नोट्स में सेव कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल लगा लीजिए कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा चीज़ें ये मैंने पढ़ा था, ये एग्जाम्पल है, इसमें ये चीज़ें मैंने नहीं सीखने को मिली। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना लास्ट में, तो आपका मुश्किल से 2-3 दिन में वो हो जाएगा, बार बार देखेंगे ना तो ऐसे चुटकियों में आप देखेंगे, हाँ ये था, फिर ये था, फिर इसमें ये एग्जाम्पल था, ऐसे ऐसे बस आपका तैयार होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता है कि एक दिन में तो ये होगा नहीं, है ना, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ये भी है। अब देखिए 2014 का क्वेश्चन है ये, अब इसमें क्या है, a की पावर x = b और b की पावर y = a ये दिया हुआ है, तो बोला क्या है, x और y की वैल्यू बताओ, तो भाई बता देंगे कैसे, बिल्कुल बताएंगे, है ना, पूछा है तो बताएंगे, कैसे बताएंगे भाई, हमसे क्या बोला, a की पावर x = b है और b की पावर y = a है। अच्छा, अब एक चीज़
जानते हैं दोस्तों घातांक कारणी जब मैं आपको बताया था तो शायद ये वाला जो मैं आपको प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर रहा था 1/x 1/z वाला जो 3 की पावर वो भी शायद घातांक कारणी का ही था क्या, है ना। तो जब मैं घातांक कारणी आपको बताया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर यहाँ पे पावर एक्स है तो वो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी, है ना, क्लियर। तो ये हो गया, मतलब ये अगर ये एक्स था तो उधर गया 1/x हो गया। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई b की पावर 1/x, ठीक। ए की वैल्यू क्या मिल गई, b की पावर 1/x। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये ए की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख सकूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे रखूँगा ए की वैल्यू तो क्या हो गया, ये है b की पावर y और ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आई b की पावर 1/x, ठीक। अब एक चीज़ आप समझ गए क्या, कि बेस सेम है और ये इक्वल है तो इसका घात भी सेम होगा, समझ में आया। इसीलिए मैंने किया कि जब हमारा आधार सेम है और उसका कुछ हम पावर कर रहे हैं और दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर भी सेम होगा, यानी वाई बराबर क्या होगा 1/x होगा, है ना। ये और ये सेम होंगे, क्यों, क्योंकि बी सेम है और ये भी पूरा नंबर सेम है तो बी का पावर जो करेंगे वो भी तो सेम होगा, है ना, चाहे बी स्क्वायर करें चाहे बी क्यूब करें, है ना। कहने का मतलब क्या, अगर ये बी स्क्वायर है तो ये भी बी स्क्वायर है, ये बी क्यूब है तो ये भी बी क्यूब है, यानी क्या, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो वाई बराबर 1/x कर दिया, सीधी बात है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर आ गई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सीधे किया आंसर आया। अब अगर आपको ये छोटी सी चीज़ नहीं पता रहेगी, है ना, अब देखिए कहने को कहाँ पे आ गया, कहने को ये अलजेब्रा में हम डिस्कस कर रहे हैं, कहने को हम अलजेब्रा में डिस्कस कर रहे हैं, और अलजेब्रा में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्स वाई फलाना धमाका चर अचर वाला हिसाब किताब आ गया, है ना, तो इसलिए हम अलजेब्रा में कर रहे हैं। लेकिन इसमें यूज़ कहाँ का हो रहा है, यूज़ हो रहा है आपका घातांक कारणी का, देखिए, है ना, घातांक कारणी का यूज़ हो रहा है, सरलीकरण का। तो कहने का मतलब टॉपिक सारे रिलेटेड होते हैं दोस्तों, इसलिए जो शुरू में बताता हूँ वो आधार होता है ताकि उसको शुरू करने में किसी और चीज़ की सहायता ना लेनी पड़े। लेकिन जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो यहाँ पे देखिए हमको घातांक कारणी की सहायता लेनी पड़ रही है। इसी तरीके से जब हम परसेंटेज में पहुँचे थे, लाभ हानि में पहुँचे थे, है ना, तो उनमें हमको औसत का, है ना, सहयोग लेना पड़ रहा था, और परसेंट जब लाभ हानि करे तो उसमें प्रतिशत का कितना यूज़ आया था लास्ट लेक्चर में अगर आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे कनेक्टेड होती जा रही है क्योंकि आपका होलसम पूरा का पूरा मैथ तैयार होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको मैं बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है, PCS का क्वेश्चन है दोस्तों 2016 का, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, ये क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि बताइए भाई x+y+z की वैल्यू 13 के बराबर दी है, ठीक है। तो बोला है x-2 y+1 और z-3 का अधिकतम मान क्या होगा, इसे ही पूछा है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा ना दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ होगा, एक चीज़ समझिएगा, जब भी कुछ ऐसा होगा कि अधिकतम मान पूछे किन्हीं नंबरों के गुणा होने का, है ना, गुणा होने का अगर अधिकतम मान पूछे तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, या आप मान के चलिए चाहे 2 नंबर का गुणा किया हो, चाहे 3 नंबर का गुणा किया हो, चाहे 4 नंबर का गुणा किया हो, है ना, कुछ भी किया हो, अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर से मिलके ये सारे नंबर मिले हैं, जैसे मान ये कुछ नंबर है, है ना, अब इन्हीं से में से मिलके ये 2 नंबर में डिवाइड कर दिया, या फिर बोले कि इन्हीं नंबर को 3 नंबर में डिवाइड कर दिया, या फिर बोले कि इन्हीं जो नंबर हैं इन्हीं को 4 नंबर में डिवाइड कर दिया और आपस में गुणा किया, है ना, और वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो इसको इसको इक्वल दिखा देंगे, अगर 3 नंबर में डिवाइड किया तो तीनों नंबर को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है, अगर 4 नंबर में डिवाइड किया तो चारों नंबर को इक्वल दिखा देंगे, यानी अगर सारे नंबर इक्वल रहेंगे तब उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, समझ में आया आपको बात, यानी उन सभी नंबरों को उसके इक्वल दिखाना है, यानी x-2 भी बराबर होगा, यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो x-2 जो आ रहा है, ये y+1 जो आ रहा है, ये और z-3 आ रहा है, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं और हमको इन तीनों की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्लियर, इतना अच्छा समझ में आया ना, कि हमको क्या बोला है, कि हमको बोला कि भाई इसी का तो मल्टीप्लीकेशन किया है, x-2 y+1 और z-3, इसी का क्या बोला, अधिकतम वैल्यू। तो अधिकतम वैल्यू जब बोला है तो अब अधिकतम कब आएगा, अधिकतम कब है, मैंने कब बताया कि जब ये और ये इक्वल आ जाएं, ठीक है, ये इक्वल आ जाएं, क्योंकि सारे बने इसी से हैं, सारे बने इसी से ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसी से सारे बने हैं और चाहे 2 नंबर में डिवाइड किया गया, चाहे 3 में किया गया, चाहे 4 में किया गया, चाहे 5 में करें, चाहे जितने में करें, है ना, अगर गुणा कर रहा है सभी को आपस में, तो वो मैक्सिमम तभी आएंगे जब ये इसके बराबर होगा,
जब ये आपस में बराबर होंगे, है ना, मतलब सारे नंबर बराबर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 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 इक्वल दिखा दिया। ठीक, ये तो हमको समझ में आ गया, पहला हर्डल मतलब एक प्रॉब्लम हमारी पार हो गई कि भाई एक स्टेप हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये चीज़ आएगा कैसे, ये जो आएगा है ना, ये आएगा कैसे, सॉल्व कैसे होगा। चलो इतना समझ गए हम, अब सॉल्व कैसे होगा इसके लिए देखिए, हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 दिया है, है ना, 13 दिया है। तो हमसे क्या बोला है, एक्स माइनस टू बोला है, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, अरे अच्छा मैं कहीं और लिखता हूँ, रुक जाइए समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, है ना, यहाँ लिखता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। चलिए, हमसे क्या बोला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 बोला है, है ना। अब हमसे क्या बोला है, एक बोला है एक्स माइनस टू, एक बोला क्या है एक्स माइनस टू, तो जब यहाँ माइनस टू किया तो यहाँ भी माइनस टू कर देंगे। दूसरा क्या बोला है, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन है ना, देखिए एक है एक्स माइनस टू, एक है वाई माइनस प्लस वन और एक है जेड माइनस थ्री, तो दूसरा क्या किया, वाई प्लस वन, तो जब यहाँ माइनस टू किया तो यहाँ माइनस टू किया, यहाँ प्लस वन किया तो यहाँ भी प्लस वन किया, और अब जेड की बात करते हैं तो जेड क्या है, माइनस थ्री है, माइनस थ्री प्लस थ्री है, माइनस थ्री है, माइनस थ्री है, तो जब यहाँ माइनस थ्री किया तो यहाँ भी माइनस थ्री किया। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन कुछ भी जोड़ो घटाओ बराबर ही आएगा, है ना, सीधी बात है, है ना। यहाँ मैंने माइनस दो किया तो यहाँ भी मैंने माइनस दो किया, यहाँ प्लस वन किया यहाँ भी प्लस वन किया, और यहाँ माइनस थ्री किया तो यहाँ भी माइनस थ्री किया, सीधी सी बात। अब इससे हुआ क्या, हमको मिल गया एक्स माइनस टू, और क्या मिल गया, वाई प्लस वन, और क्या मिल गया, जेड माइनस थ्री मिल गया। इधर क्या मिला, इधर क्या मिला, इधर हमको मिला 13 माइनस दो प्लस एक माइनस तीन, तीन दो पाँच और चार, नौ मिला, है ना, नौ मिल गया, नौ मिल गया इसको सॉल्व करने। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या बोला, अब ध्यान समझिएगा, अब आंसर आ गया आपको, अगर आपको दिख गया हो तो आपको आंसर दिख गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नंबर एक है, एक ये नंबर, ये एक नंबर है, इन तीनों का सम क्या है, नौ के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको 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 आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ये मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे, मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे, अधिकतम वैल्यू, जब ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, है ना, ये कब इक्वल होंगे, जब इन सारों को, भाई ये नौ के बराबर है ना, तो नौ को इक्वल इक्वल भाग में डिवाइड कर दो, तो तीन इक्वल भाग में डिवाइड कर दो नौ को, यानी हर एक को अगर तीन तीन के बराबर दिखा दे, यानी ये भी तीन हो जाए, ये भी तीन हो जाए और ये भी तीन हो जाए, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर x माइनस टू की वैल्यू भी तीन आ जाए, y प्लस वन की वैल्यू भी तीन आ जाए और z माइनस थ्री की वैल्यू भी तीन आ जाए, तो अब इसको अगर आपस में जोड़ देंगे तो देखिए नौ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, नौ, तो वही बात है, मैंने इक्वल तीन तीन क्यों किया, क्योंकि हमको इसको आपस में गुणा करना था, तो जब गुणा करके मैक्सिमम वैल्यू बताना था तो अब यहाँ पे अधिकतम मान नहीं आ जाएगा कि x माइनस टू की वैल्यू कितनी है, तीन, y प्लस वन की वैल्यू कितनी है, तीन, और जेड माइनस थ्री की तीन, तीन त्रिका नौ त्रिक 27, देखिए आपका आंसर आ गया सीधे, क्लियर, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब चूंकि मैं समझाने के लिए कर रहा था तो इतना समय मुझे लगा, अदरवाइज अब आप देखिए ना, अगर आपको कोई और एग्जाम्पल आया ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप तुरंत क्या करोगे, आपका तुरंत दिमाग में क्या जाएगा, यही जाएगा कि हमको जो x माइनस टू, वाई प्लस वन और जेड माइनस थ्री है ना, इसी फॉर्म में इसको ले आना है, और इसी फॉर्म में ले आके इधर जो भी आएगा उसी नंबर को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे तीन है। अगर ऐसे चार होता, मान लीजिए w भी होता, मान लीजिए है ना, तो इधर w वाले को भी ऐसे कन्वर्ट करके फिर चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते और चारों को गुणा कर देते और चारों को गुणा करते तो आंसर आ जाता अधिकतम मान, क्लियर है, समझ में आया। तो ये होता है दोस्तों की कॉन्सेप्ट। तो आप बताइए मुझे ये लेक्चर आपको कैसा लगा, है ना, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अब देखिए मैं धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैथ के, और आपको भी फीलिंग आ रहा होगा, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ कोई भी चीज़ें छूटी नहीं है, है ना, ये चीज़ें एहसास होना इस बात का बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये तब होगा ना जब आप PYQ लगा रहे होंगे, आप PYQ लगा रहे होंगे। मैं बार बार देखिए शुरू से ही जब मैं स्ट्रेटजी चर्चा किया था तभी मैं बताना शुरू कर दिया था कि इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब अगर आप इन लेक्चर को नहीं देखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, तो कैसे काम बनेगा, है ना। तो इसलिए बेझिझक आप लगाइए, और आपको मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ जो मैंने आपको तीन होमवर्क दिया है, ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर, इसको कमेंट में डालिएगा जरूर दोस्तों। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसको सॉल्व करके डालने का प्रयास जरूर कीजिएगा, उससे मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी पता चलता है कि हाँ आप लोग कर भी रहे हो काम, क्योंकि पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, वन टू वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको भी कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन का ये है, इसको जूम कर दे रहा हूँ, ये है तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो
तो अब इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई सुपरमनो के साथ अगले वीडियो में, तब मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, है ना। और आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है और क्या नई चीज़ें मैं ऐड करूं या फिर चीज़ें सही चल रही हैं और आप अपनी तरफ से कुछ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आपकी चीज़ें बन रही कि नहीं, जैसे मैं कुछ लोगों का कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि जैसे कुछ लोगों को डर लग रहा है सी सैट से, तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डर लगना लाजमी है, मैं बार बार बोलता हूँ, डरना भाई ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है, डरना बहुत लाजमी है। लेकिन आप ये देखिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं और PYQ ही हम कर रहे हैं, है ना, PYQ ही कर रहे हैं, तो जब रिलेवेंट चीज़ें करेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे और वही आएगा। तो इसलिए दिमाग बस इतना रखिए कि हाँ, मैं मेहनत, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है खुद पे कि हाँ यार, मैं मेहनत उसी तरीके से कर रहा हूँ, कर रही हूँ और PYQ लगा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, जब आपका PYQ में प्रॉब्लम नहीं आएगा लगाने में, तो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होगी ना, तो अभी तो चूंकि मैथ पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो अभी पूरा मेरा फोकस कितने पे है, मैथ पे है। लेकिन इसीलिए देखिए, मैं जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको शुरू में ही स्ट्रेटजी बता दिया था कि आपको दिमाग में क्या लेके चलना है। आपके दिमाग में पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए कि यार इतना नंबर मुझे लाना है, है ना, इतना नंबर लाना है। अब कहाँ से कैसे कैसे लाएंगे, किस में कितना दम लगाएंगे, कहाँ किस टॉपिक पे करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हिंदी का भी वेटेज है, ROR में फ़ायदा करेगा, PCS मेंस में फ़ायदा करेगा, तमाम चीज़ों में फ़ायदा करेगा, है ना। और इंग्लिश भी आता है, कंप्रिहेंशन भी आता है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, तो तमाम टॉपिक सबको मिला के आपको CCR को क्लियर करना है, है ना। तो कहाँ पे क्या डिसबैलेंस हो सकता है, क्या नहीं, तो मैथ का ही कितना इंपॉर्टेंस है, है ना, रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। तो चूंकि इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा, इसलिए इनको हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, सीधी सी बात है, है ना। तो ये बातें हैं, बट इसके लिए घबराना नहीं है। अब धीरे धीरे करके जो चल रही चीज़ें उसको आप कवर करते जाइए। और अब देखिए, मैथ कंप्लीट होना शुरू हो गया धीरे धीरे, बस अब कुछ चुनिंदा टॉपिक बचे होंगे जो डिस्क्रीट होंगे, जिसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, आते हैं क्वेश्चन नो डाउट, तो उन्हीं को हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। जब उनको डिस्कस कर लेंगे तो ऐसे एक एक दो दो टॉपिक ऐसे, जैसे मान लीजिए कुछ और भी हम एक एक करके लाएंगे, जो मैं आपको जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक बच गए थे ना, तो अब वो सब टॉपिक मैं उठाना शुरू करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नहीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में। जय जय भारत।